जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए BA थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है, हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए देख लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अभी हाल ही में आपका कल ये एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें खंड एक में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वह यहाँ पर दिए गए हैं कि मेरा सहयात्री निबंध किसके द्वारा रचित है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन था स्रोत भाषा का अर्थ बताना था कि स्रोत भाषा का अर्थ क्या है, ये आपके जो हैं एक एक नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सिम कार्ड का दूसरा नाम पूछा गया था, सिम कार्ड का दूसरा नाम क्या है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेजी शासन में पोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता आपका राइट आंसर है। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर, कोलकाता में। फिर आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए, देख लेते हैं। जैसे नौरते क्या है, यह किस जगह प्रचलित है, इसके अथवा में आपसे पूछा गया था कि संक्षिप्तियों का प्रयोग करने से क्या लाभ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया लोक कथा और लोक गाथा में अंतर बताना, इसके अथवा में दिया था फीचर लेखन को स्पष्ट कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि पुरुषार्थ से क्या आशा है, पुरुषार्थ कितने प्रकार की होती हैं, इसके अथवा में दिया था कि बलायत जाने पर गांधी जी ने माँ के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी, ये जो है क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो खंड सी था इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, अनुसूचित जनजाति की लोक कला का विवेचन कीजिए, इसके अथवा में दिया था कि खोजी पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट करते हुए निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि राजभाषा नियम 1976 से आप क्या समझते हैं, लिखिए, और वर्तमान में मोबाइल के कारण सामाजिक जीवन में निर्णायक परिवर्तन आए हैं, ये भी लिखिए, ये अथवा में दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, यहाँ पर अनुकूल, आकर्षण, गुप्त, आदर, उत्कृष्ट, उपकार, नूतन और यश, इनके विलोम बताना था, और इसके अथवा में आपका दिया गया था कि अच्छे अनुवाद के लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि गुरु नानक जी के आने से भारत में लोगों में क्या परिवर्तन आया, इसके अथवा में दिया था कि सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों को संक्षेप में बताइए। ये आपका एग्जाम था जो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर से संबंधित जो हिंदी भाषा नैतिक मूल्य का एग्जाम हुआ था 30 मार्च को, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।